Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve compound interests of class 8 ML Agrawal. Description box में आपको maths playlist link मिल जाएंगे, वहाँ से आप maths के all videos one by one देख सकते हैं. तो यहाँ compound interest पे बात करते हैं. तो class 7 में आपने simple interest के बारे में पढ़ा है, यहाँ हम compound interest पढ़ेंगे. दोनों में difference क्या है एक बार वो समझ लेते हैं. तो देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसमें जब हम बोरो करते हैं या किसी को आप उधार दे रहे हैं, बोरो दे रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा. क्लियर? बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमारा पर ईयर चेंज होता है. कैसे होता है वो समझ लीजिए. मान लीजिए कि आपने 2 या 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लिया, ठीक है. तो 2 या 3 साल जितने भी ईयर्स के लिए आपने जो लिया है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें जो प्रिंसिपल हमारा है उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है. जो फिक्स वो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट होता है. अगर मान लीजिए आपने 3000 है आपने बोरो किया, तो उस 3000 पे ही हमें इंटरेस्ट देने हैं. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चेंज हो जाता है पर ईयर, है ना. तो फर्स्ट ईयर तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में जो आया वही होगा, सेम रहता है. बट सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने लिया, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आता है एंड सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते तो हमारा अमाउंट आ जाता है. तो वो जो फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर में आकर प्रिंसिपल बन जाता है. क्लियर? एंड नाउ सेकेंड ईयर में जो अमाउंट हमारा आता है प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, वो जो अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. दैट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देने होते हैं. तो इसे हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ लेते हैं. तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बस प्रोसेस समझने के लिए, है ना. तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम समझेंगे, इसके प्रोसेस को ही समझेंगे अच्छी तरह से. इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ओनली फार्मूला से सॉल्व करेंगे. तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को पहले समझते हैं, जिससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1, विच इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 6000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल कहलाएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईयर 2 ईयर्स क्या है हमारा, टाइम दिए हुआ है. तो हमें क्या करने हैं, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने हैं. तो 2 ईयर्स के लिए हमें ये कैलकुलेट करने हैं. तो वन ईयर बाई वन ईयर हम ऐसे करेंगे. तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए कर लेते हैं. तो हम लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल है ₹6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू, अब 2 ईयर्स के लिए हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं, तो टाइम हमारा 1 ईयर ही होगा यहाँ पे 1 ईयर. नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट परसेंट, यही परसेंट नीचे में 100 बन जाता है. तो रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो इक्वल टू क्या हो गया, प्रिंसिपल है 6000 इंटू रेट 10 इंटू 1/100. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बच रहा है 600. तो इज इक्वल टू ₹600, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया. तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. तो प्रिंसिपल हमारा है 6000, तो ये हो गया 6000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 600 हमने निकाला. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया ₹6600, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना है 6600. क्लियर? अब यही जो 6600 है कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में आके प्रिंसिपल बन जाता है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने हैं. तो हम लिख लेंगे फॉर सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर हमने कर लिया, नाउ सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 6600, तो यही हमारा प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए. क्लियर? रेट इक्वल हो रहता है, जो रेट आपने स्टार्टिंग में दे रखा वही रेट रहेगा. तो रेट हो गया 10% एंड टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम सेकेंड ईयर के लिए हम कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर यानी कि 1 ईयर हुआ, है ना, 1 ईयर ये 1 ईयर ये 2 ईयर हो गया, तो टाइम हमारा 1 ईयर ही होगा यहाँ पे.
therefore simple interest is equal to, तो principal अब यहाँ पे है 6600, तो यही लिख लेंगे, into rate 10 into time 1/100. अब यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया हमारा रुपीज 660. क्लियर? तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 660 रुपीज. तो अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट कितना हो गया? तो अमाउंट में हम क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट हुआ प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा. तो 6600 प्लस 660, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाता है रुपीज 7260. अब देखिए टू इयर्स के एंड में अमाउंट कितना बन गया, 7260. एंड हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये तो ओनली अमाउंट आ गया. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI लिखते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स इज इक्वल टू, अब दो साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ वो हमें पूछा जाता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम दो तरीके से निकालते हैं. तो फर्स्ट मेथड में ये जो टू इयर्स में लास्ट ईयर में जो हमारा ये फाइनल अमाउंट आया, इस अमाउंट में से जो स्टार्टिंग का हमारा प्रिंसिपल था उसे माइनस कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी पहले वही करके देखते हैं. तो फाइनल अमाउंट ये है 7260 माइनस, स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल था 6000 रुपीज, इसे माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाता हमारा रुपीज 1260. ये आंसर हो गया. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो ऐसे हमने निकाला, दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों ईयर्स के, है ना, जो फर्स्ट ईयर में हमें ये जो इंटरेस्ट आया सिंपल इंटरेस्ट, एंड सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो भी समझ लीजिए. और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 600 प्लस सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 660, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाता है रुपीज 1260. क्लियर? तो देखिए हमने माइनस करके निकाला तो भी यही आंसर, प्लस करके भी यही. तो कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से निकालते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन टू इज, सलमा बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 18,750 फ्रॉम महिला समिति टू परचेज अ स्विंग मशीन. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट शी हैज पे आफ्टर टू इयर्स. तो यहाँ देखिए वो बोरो करती है महिला समिति से, कितना करती है 18,750 रुपीज, 4% इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम टू इयर्स के लिए. तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 18,750, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 18,750, रेट है 4% एंड टाइम इज इक्वल टू, वन ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम कितना हो गया वन ईयर, टी फॉर टाइम. क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि 18,750 इंटू रेट 4 × 1/100. अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 4 से 100 25 टाइम्स में डिवाइड हो गया. नाउ 25 से 18,750 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 750. तो कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 750. सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा हमारा, तो 18750 प्लस 750 इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है रुपीज 19,500. तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हमारा निकल गया. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 18,750 रुपीज बोरो किया किसी से 4% इंटरेस्ट पे, तो वन ईयर के बाद आपको कितना उसे वापस करने हैं, तो पहले हम 4% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल लिए, इंटरेस्ट आ रहा है 750 और आपने लिया 18,750, तो इस 18,750 में 750 हम ऐड करके उसे वापस करेंगे, कितना 19,500. क्लियर? तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा तब, बट यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है एंड टू ईयर्स की है, ये मैंने वन ईयर्स के एग्जाम्पल में आपको समझाया है. अब टू ईयर्स के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब आगे समझिए. ये तो फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट आ रहा है, फर्स्ट ईयर में आपने इतना पे किया, ठीक है,
अब हम सेकेंड ईयर का बता रहे हैं क्योंकि आपने पूरा तो पे नहीं किया, 18,750 हम 50 लिए हैं और 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज़्यादा लगता है, 2 ईयर्स के बाद आपको पैसे वापस करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट 19,500 हो गया। अब सेकेंड ईयर में कितने इंटरेस्ट आएंगे वो देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो अमाउंट आया फर्स्ट ईयर का, ये हमारा सेकेंड ईयर में क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है 19,500। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। रेट आपका इक्वल होगा जो स्टार्टिंग में होता है, तो 4%। अगेन टाइम इज इक्वल टू, तो सेकेंड ईयर, तो सेकेंड यानी 1 ही हुआ, तो 1 टाइम हो गया 1 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अगेन प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 19,500 इंटू 4 इंटू 1/100। अब इसे फिर से हम 4 से ही डायरेक्ट 100 डिवाइड कर देते हैं, तो 25 से 19,500 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 780। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? इज इक्वल टू रुपीज 780। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में 780 हो गया। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये जो प्रिंसिपल है इसमें ऐड कर लेंगे, तो 19,500 प्लस 780, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाता है रुपीज 20,280। तो सेकेंड ईयर में है ना, लास्ट में इस 2 ईयर्स के एंड में हमें अमाउंट कितना बन गया हमारा, जो 18,750 हमने लिया पैसे बोरो किया, वो हमें कितने वापस करने हैं 2 ईयर्स के बाद? 20,280 रुपीज वापस करने होंगे। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा वो हमें निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दोनों ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके ऐड कर लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट निकला 750 प्लस सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 780, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाता है रुपीज 1,530 इज द आंसर। क्लियर? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लिया। आप चाहो तो इस अमाउंट में से जो एंड में फाइनल अमाउंट हमारा आया, इस अमाउंट में से जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था इसे माइनस करके भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 3 इज टू रिनोवेट हिज शॉप, गौतम बोरो रुपीज 16,000 फ्रॉम इंडियन बैंक फॉर 3 ईयर्स और एट द रेट ऑफ 15% पर एन। है ना, अपने शॉप को रिनोवेट करने के लिए गौतम ने बैंक से कितना पैसा बोरो किया है? तो रुपीज 60,000 बोरो किया, थ्री ईयर्स के लिए किया है, 15% पर एन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, प्रिंसिपल 16,000 एंड 3 ईयर्स टाइम है। वॉट अमाउंट विल ही पे टू द बैंक टू क्लियर हिज डेब्ट आफ्टर 3 ईयर्स? तो पूछ रहा है कि 3 ईयर्स के बाद है ना, अपने ये जो बोरो उसने किया है इस कर्ज को कंप्लीट वापस करने के लिए उसे कितने पैसे पे करने होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो इसे मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया, हम लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा है 16,000, रेट 15% एंड टाइम 1 ईयर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, दैट इज 16,000 इंटू 15 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल। नाउ 160 इंटू 15 किया तो ये आ गया 2400। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट 2400, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो 16,000 है इसमें हम इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 16,000 प्लस 2400, दैट इज रुपीज 18,400। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया हमारा 18,400 और ये अमाउंट सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। तो आगे लिख लेंगे फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,400, रेट 15% एंड टाइम 1 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,400 इंटू 15 इंटू 1/100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 184 इंटू 15 इज इक्वल टू 2760 रुपीज़ हो गए सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या बन जाएगा, ये जो प्रिंसिपल हमारा है सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को, तो 18,400 प्लस 2760 से ऐड किया तो ये आ गया 21,160। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो इसके आगे का मैंने इधर सॉल्व कर लिया है। फॉर थर्ड ईयर तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू
21,160, रेट हमारा सेम होगा 15% एंड टाइम अगेन 1 ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड तो 1 ईयर हुआ, मतलब ये 1 ईयर के लिए। 3 ईयर्स का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फर्स्ट ईयर हमने इसे सॉल्व कर लिया, सेकेंड ईयर सॉल्व कर लिया, ये थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर यानी कि 1 ईयर, थर्ड ईयर का मतलब। तो सिंपल इंटरेस्ट 21,160 इंटू 15 इंटू 1 बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसे पहले हमने इंटू कर लिया है, तो 2,116 इंटू 15 इज इक्वल टू 31,740 बाई 10। अब 0 से 0 कट गया तो बच गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3,170। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू, ये जो प्रिंसिपल थर्ड ईयर का है इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लिया, तो अमाउंट निकल गया 24,334। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट 3 ईयर्स के बाद वो वापस करेगा। क्लियर, तो यही हमारा आंसर हो गया। हेंस अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 3 ईयर्स 24,334 इज द आंसर। क्लियर, तो देखिए कर्ज कितना लिया था 16,000, इस 16,000 कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना वापस करना पड़ा 24,334। नाउ क्वेश्चन 4 इज, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ करा कि एक मैन जो है इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा जमा करता है या लगाता है कहीं, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका चल रहा है, तो 46,875 क्या हो गया प्रिंसिपल, कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में से कितना इंटरेस्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 46,875 रुपीज, रेट 4% टाइम 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो उस फॉर्मूला पे इसे सेट कर लेंगे, 46,875 इंटू 4 इंटू 1 बाय 100, फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं इसलिए टाइम हमारा 1 ईयर। नाउ 4 से 100 डिवाइड हो गया 25 टाइम्स में, अब इस 25 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1875 टाइम्स में 1875, तो ये हमारा क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 1875। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में है ना द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर, नाउ अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, तो अमाउंट में क्या करेंगे प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं, तो 46,875 प्लस 1875 इज इक्वल टू, इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है 48,750 रुपीज, और यही जो अमाउंट हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो नाउ प्रिंसिपल क्या बन जाएगा है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 48,750। अच्छा, ये सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, है ना, सेकेंड ईयर के एंड में उसके कितना अमाउंट उसके क्रेडिट में आया, उसके पास कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ वो हमें बताने हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ अमाउंट निकाल लिया, तो अमाउंट आ गया 48,750। यही अमाउंट क्या बन जाता है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ लिख लेते हैं फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारा इक्वल होगा 4% एंड अगेन टाइम सेकेंड ईयर के लिए टाइम क्या हो जाएगा अगेन 1 ईयर। क्लियर, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 48,750 इंटू 4 इंटू 1 बाय 100, अगेन 4 से 100 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, नाउ 25 से 48,750 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है 1950 टाइम्स में, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया रुपीज 1950। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा ये प्रिंसिपल आया है इस प्रिंसिपल में इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो 48,750 प्लस 1950 इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा रुपीज 50,700।
क्लियर। तो देखिए सेकेंड ईयर के लास्ट में यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकेंड ईयर के लास्ट में उसके कितना क्रेडिट हुआ उसके पास, तो कितना आया उसके पास 50,700, यही हमारा आंसर है। तो हम लिख लेते हैं हेंस। अच्छा यहाँ जो अमाउंट निकाला, कन्फ्यूज आप मत होना, ये जो अमाउंट निकाला हमने सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, जैसे इस अमाउंट को हटा दो है ना, यहाँ ऐसे लिख लो, यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लिया तो 48,750, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 48,750, साइड में आप इसे सॉल्व कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अच्छा पहले इसका आंसर लिख लीजिए, हेंस अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू क्या हो गया, रुपीज 50,700। क्लियर, ये आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट थ्री इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमें निकालने हैं, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया 50,700, यही हमारा यहाँ प्रिंसिपल बन गया। तो रुपीज 50,700, रेट हमारा इक्वल चल रहा है ऊपर से 4%, अगेन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ईयर। क्लियर, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 507 इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज 2028 इज द आंसर। क्लियर, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का हमें निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन 5 इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन रुपीज 6,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट कितना किया गया 6,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए, इतना 6,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, साथ में थर्ड ईयर का अमाउंट हमें फाइंड करने हैं। क्लियर, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल कितना है इज इक्वल टू रुपीज 6,000, रेट 10% एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया हमारा, तो ये क्या बच गया 600, तो इज इक्वल टू रुपीज 600 सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना मिल जाएगा, तब 6,000 प्लस 600 इज इक्वल टू रुपीज 6,600। क्लियर, नाउ अब ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा आ गया, तो अब सेकेंड ईयर, तो लिख लेंगे फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना बन गया 6,600 रुपीज। क्लियर, रेट हमारा वही चलेगा, रेट 10%, अगेन टाइम 1 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,600 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, यहाँ पे फिर से ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है रुपीज 660। ये जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर के एंड में, तो वो इंटरेस्ट ये आंसर हो गया 660। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू, अब अमाउंट निकाल लेते हैं क्योंकि थर्ड ईयर का हमें सॉल्व करने हैं, तो थर्ड ईयर में तो उसके लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर का वही प्रिंसिपल होगा, तो जो प्रिंसिपल है इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया 6,600 प्लस 660 इज इक्वल टू 7,260, ये अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का, और यही अमाउंट थर्ड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है, तो इसके आगे मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल 7,260, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7,260 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, बच गया 726। सो अमाउंट इज इक्वल टू 7,260 प्लस
726 is equal to rupees 7986 is the answer. Now question 6 is, calculate the amount and the compound interest on rupees 5000 in 2 years when the rate of interest for successive years is 6% and 8% respectively. Successive years means continuing, है ना, जैसे 6% फर्स्ट ईयर में 6% है, सेकेंड ईयर में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम कर लेते हैं. तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है रुपीज 5000, रेट 6% एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 6 इंटू 1 बाई 100. जीरो से जीरो कैंसिल, 6 फाइव जा 30, तो इज इक्वल टू रुपीज 300. ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया. सो अमाउंट इज इक्वल टू 5000 जो प्रिंसिपल है स्टार्ट ये हमारा, इसमें ऐड कर लेंगे प्लस 300, तो इज इक्वल टू रुपीज 5300. क्लियर? तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट है 5300 6% रेट पे. नाउ फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में ये जो अमाउंट है प्रिंसिपल बन जाता है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 5300. अब सेकेंड ईयर के लिए रेट है 8% एंड टाइम 1 ईयर. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5300 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100. जीरो से जीरो कैंसिल. नाउ 53 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज 424. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लास्ट में मिल रहा है 424. अब हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बताने हैं लास्ट में. तो ईयर के लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट 424 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ. तो अमाउंट इज इक्वल टू ये 424 एंड इसका प्रिंसिपल कितना था 5300, इसमें ऐड कर लेंगे. 5300 प्लस 424 इज इक्वल टू रुपीज 5724. ये अमाउंट हमारा निकल गया, ये आंसर एक हो गया हमारा. दूसरा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ईयर्स के अमाउंट को, सॉरी फाइनल अमाउंट में से जो स्टार्टिंग का हमारा प्रिंसिपल है उसे माइनस कर लेंगे. तो फाइनल अमाउंट है 5724 माइनस स्टार्टिंग में प्रिंसिपल हमारा क्या है क्वेश्चन में दिए हुए 5000, इसे माइनस कर लेंगे तो इक्वल टू रुपीज 724 इज द आंसर. तो ये हमारा सेकेंड आंसर निकल गया. नाउ क्वेश्चन 7 इज, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम. अब यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. एज अ प्रिंसिपल 20,000 टाइम 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को देख लेते हैं. फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 20,000, रेट 8% एंड टाइम हमारा दिया हुआ है 2 ईयर्स. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्लियर? तो डिफरेंस बताने हैं तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर स्टेबल होता है. तो एक पूरा 2 ईयर्स का निकाल लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, तो प्रिंसिपल डेट टाइम दिए हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप चाहो तो फार्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हो, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू, तो पी है 20,000 इंटू रेट 8 इंटू टाइम 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं इसलिए, बाय 100. अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल. नाउ 200 इंटू 2 इज 400 एंड 400 इंटू 8 इज 4 8 32, यानी कि इक्वल टू रुपीज 3200. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. नाउ
डिफरेंस करना है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। टू ईयर से तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल रेट टाइम दिए हुआ है तो वो लिख लेते हैं, तो टाइम अब फर्स्ट ईयर के लिए वन ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, टाइम इज इक्वल टू वन ईयर, रेट हमारे पास है ही 8% एंड प्रिंसिपल 20,000। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 20,000 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 8 × 16 इज इक्वल टू रुपीज 1600। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, प्रिंसिपल है 20,000 प्लस 1600 इज इक्वल टू रुपीज 21,600। ये अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। नाउ फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना बन गया, 21,600, रेट 8% एंड टाइम इज इक्वल टू अगेन वन ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21,600 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल। नाउ 216 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रुपीज, ये आपका बन जाएगा 1,728। क्लियर। तो आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट कितना बन जाता है वो निकालेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू 21,600 प्लस 1,728 इज इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो आ जाता है रुपीज 23,328। क्लियर। तो अमाउंट टू ईयर्स के लास्ट में अमाउंट देखिए कितना है, 23,328। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, क्योंकि हमें डिफरेंस बताने हैं दोनों इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो जो फाइनल इंटरेस्ट में है इसमें से जो स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल है उसे माइनस कर लेंगे, तो फाइनल इंटरेस्ट हो गया 23,328 माइनस 20,000, इसे माइनस कर लेंगे तो ये हो जाता है 3,328। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3,328 एंड सिंपल इंटरेस्ट है 3,200। ठीक है, एंड हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्लियर है देखने से, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है ना इसके तुलना में, सिंपल इंटरेस्ट के तुलना में, तो कितना डिफरेंस है वो फाइंड करने है, तो यहाँ लिख लेते हैं, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3,328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आया 3,200, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है रुपीज 128 इज द आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.